أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ لوگوں نے شیر سے کافی ساری چیزیں بنانی سیکھ رہی ہیں تو آئیے ہم بھی اب شیر سے کچھ ڈفرینٹ بناتے ہیں اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سمپل ہاؤس آپ کس طرح بنا سکتے ہیں ایک چھوٹا سا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے گھر اسکوائر شیپ لی اس کو اس طرح سے آپ جتنا چوڑا رکھنا چاہیں اتنا چوڑا رکھیں آپ اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کریں گے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے پھر شیپس میں جانا ہے اور یہ والی ٹرائنگل شیپ آپ نے لینی ہے और इसका भी कलर आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे ताकि शेप जो है वो हमारी इसके ऊपर आ जाए और हमें नज़र आए। बाद में हम इसकी सेटिंग कर देंगे इंशाल्लाह। ये देखें तो ये हो गया। इस तरह से इसको सेंट्रलाइज कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको और चौड़ा करना है इस तरह से। ये देखें और फिर इसको सेंटर में करना है, लेकिन अभी हमें ये थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारे पास शेप तैयार हो गई। आप जिस शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दोनों को हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद ये देखिए हमारे पास एक शेप हो गई। अब हम इसमें जो एडिटिंग करना चाहें वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले सेंटर में करेंगे। अब हम इसका दरवाज़ा बनाएंगे, यही स्क्वायर शेप लेंगे। ये देखें और बस। और इसका दरवाजे का कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ गया, इसी की हमने कॉपी लेंगे, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। ये कॉपी लेने के बाद इसको और इस शेप को दोनों को लॉक कर देना, यानी कि दरवाजे को और घर को लॉक कर देना। और इसकी बारीक सी लाइन ले लेनी है हमने, बहुत ही यानी कि बारीक कर देना है। और इसका जो कलर है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेड कलर ले रही हूँ। और ये पोजीशन की मदद से हम इसको यहाँ लेकर आएंगे। ये देखें ये पोजीशन की मदद से यहाँ लेकर आ गए थे। ये देखें थोड़ा सा ऊपर किया बस। अब इसी की मैंने कॉपी ली, ये देखें इसकी मैंने कॉपी ली। लेकिन अब मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, इसको मैं लॉक कर दूँगी ताकि यहाँ लगे। कॉपी लेने के बाद ये देखें एक और लाइन यहाँ लगाऊंगी मैं, इसकी कॉपी करूंगी और इसको भी जो है हम बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। बार दफ़ा ये होता है कि आप जब शेप को यानी कि बारीक शेप को पकड़ रहे होते हैं तो वो शेप आपको तंग करती है, वो स्क्रीन पर टच करने से नहीं पकड़ी जाती। तो आप टूल्स की मदद से इस तरह से ये देखें इसको सही कर सकते हैं। ये हमारे पास दरवाज़ा हो गया और घुमाएंगे इसको, फिर साइज को छोटा करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर कर देंगे। अपोजिशन में जाएंगे और इसे नीचे लाएंगे, यहाँ कॉपी करेंगे। इसका रंग भी हम ब्लैक ही कर देते हैं, इसका कलर वाइट करूँगी मैं। ये देखें ये हमारे पास एक दरवाजे की शक्ल में, आप जिस तरह का भी दरवाज़ा बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर मैं स्क्वायर शेप में जाऊँगी और इसकी ऑप्शिटी कम करके और ये देखें वाइट का वाइट स्ट्रोक लूँगी, ज़्यादा स्ट्रोक नहीं, सिर्फ 4 तक। और वाइट इसका स्ट्रोक ले लेंगे। ये देखें वाइट स्ट्रोक लेने के बाद इसको तकरीबन इसी शेप में लेकर आएंगे, ये इस तरह से। तो ये दरवाज़ा बन गया, थोड़ा सा बस सेटिंग बनाएंगे इसकी। ये हमारे पास दरवाज़ा हो गया। स्ट्रोक देना चाहें आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक ज़्यादा नहीं देना आप लोगों ने, बिल्कुल मामूली सा स्ट्रोक देना है। और ये हम इसको शेडो देंगे, ये शेडो भी हो गया। अब हमारे पास दरवाजे की शक्ल तो तैयार हो गई। इन सब शेप्स को हम अभी लॉक कर रहे हैं, मर्ज नहीं कर रहे। उसके बाद हम जाएंगे फिर शेप्स में सर्कल शेप लेंगे और दरवाजे का ब्लॉक सा बनाएंगे। ये देखिए और इसका कलर जो है वो आप ऐसा रखें कि वाजे तौर पे वो नज़र आए। पहले वाइट रख लेते हैं, वाइट ही सही रहेगा। तो यहाँ से साइज टूल्स में से जाके मैं कम कर दूँगी। ये देखें इस तरह से और पोजीशंस में से जाके इसकी सेटिंग करूँगी। देखें बस। अब इसी की कॉपी लूँगी, कॉपी लेने के बाद ये देखें इसको सेंटर में लाऊँगी यहाँ नीचे और इसका कलर जो है वो मैं चेंज करूँगी, रेडी कर दूँगी। और फिर इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा किया। छोटा करने के बाद अब ये पोजीशन में जाके टूल्स की मदद से यहाँ मैंने इसे सेट करना है। ये देखें इसको इस तरह से ऐसा ऐसा, इसका साइज़ थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा ताकि ये डॉट इसमें नज़र आए। तो देखिए जी, ये हमारे पास दरवाजे की शेप तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मर्ज कर लेंगे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, सबको मर्ज कर लेंगे ताकि जब हम दूसरी शेप तैयार करें तो ये हमें परेशान न रहे। ये हमारे पास मर्ज हो गया, इसको लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने के बाद अब हमने बनानी है खिड़की। तो यही स्क्वायर शेप लेंगे, इसका कलर आप जो रखना चाहें। मैं इसका कलर वाइट रख रही हूँ अभी फिलहाल। इसके साइज़ को छोटा करेंगे, ये देखें छोटा करने के बाद अगर आप लाइन बनाना चाहते हैं तो ये देखें मैंने आपको जैसे टेक्स्ट में बताया था कि आप यहाँ से भी अगर आपको स्क्वायर शेप लेने में मुश्किल होती है तो आप ये यहाँ से लंबी सी लाइन ले सकते हैं। तो इसका साइज़ जो है वो मैं यहाँ से टेक्स्ट का बढ़ाऊँगी। ये देखें इस तरह से इसे सेंटर में लाऊँगी। आपने इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है तो कम हो जाएगा साइज़ इस तरह से। ये देखें और कम करें साइज़ को,
देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज आ गया। इसी को अगर आप इसमें कलर करना चाहें इसको कलर करें, ये कलर हो गया। अब इसी को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसकी पोजीशन यहाँ लेकर आए हम और इसको रोटेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये टूल्स की मदद से करेंगे तो ज़्यादा परफेक्शन आती है आपके काम में, और अगर आप वैसे करते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। इसलिए कोशिश यह करें कि आप लोग टूल्स लाजमी यूज़ किया करें। ये देखिए, ये हमारी खिड़की बन गई। अब हम इसको मर्ज कर लेंगे, खिड़की को, सिर्फ खिड़की को, घर को नहीं करना, सिर्फ खिड़की की शेप को मर्ज करना है। ये हम हमारे पास आ गई, इसकी हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये देखिए, हम दो खिड़कियाँ यहाँ, जितनी मर्जी आप लगाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एक यहाँ लगा लेंगे बस। इसकी खिड़की थोड़ी सी हम चौड़ी कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके फ्रेम बना लेंगे। फ्रेम वही, हमने इसकी ऑप्सिटी कम कर देनी है और कलर इसका स्ट्रोक बस 2 तक रखना है, ज़्यादा नहीं, और कलर ब्लैक। ज़्यादा स्ट्रोक रखेंगे तो फिर वो बुरा लगता है, सूती नहीं आती आपके काम में। यहाँ से आप इसका स्ट्रोक बढ़ा लें, ये देखें बस। स्ट्रोक भी मैंने ज़्यादा नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ 2 रखा है इसका स्ट्रोक भी। ये देखेंगे, इसके ऊपर फिट हो गया। शेडो देंगे हम इसको, ये शेडो हो गया। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद देखें, इस तरह से ये शेडो आ गया। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बड़ा कर दिया। तो ये देखिए जी, ये सेटिंग हो गई हमारी, हमारा घर बनके तैयार हो गया। अब हम एक और स्क्वायर शेप लेंगे और इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक। ये हमारा ब्लैक कलर हो गया, ये हम यहाँ से लेंगे और थोड़ा सा पतला करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, और इसे बैक पैक कर लेंगे। ये हमारी चिमनी सी बनके तैयार हो गई। अब आपको मैं एक और चीज़ बताती चलूँ। ये देखिए, ये जो हमारे पास ब्रश है, इस ब्रश से अगर हम चाह रहे हैं कि भाई धुआं निकलना है तो हम क्या करेंगे, एक तो इसका साइज़ थोड़ा सा या तो कम कर देंगे, या अगर बढ़ाना चाहती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप दिन फर्स 20 रखते हैं, हम 20 साइज रखा, और ये जो नियॉन इफेक्ट है इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए इस तरह के डॉट आएंगे मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं काली ये लूँ तो इस तरह के डॉट आएंगे, और अगर इन दोनों को लूँ तो फिर इस तरह के डॉट आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये दोनों एक्टिव करना है, मुझे ये दोनों लेने। ये देखें, जैसे चिमनी में से धुआं निकल रहा हो लेकिन मुझे कलर हल्का चाहिए, तो ये देखें मैं यहाँ से बिल्कुल लाइट सा कलर लूँगी, और ये देखें बस, ये ओके कर दिया। ये हमारे पास हाउस की शेप बनके जो है वो तैयार हो गई। लेकिन अभी एक काम बाकी है, हम दोबारा ये इस शेप में जाएंगे, इसकी ऑप्सिटी को कम करेंगे। ऑप्सिटी को कम करने के बाद इसका स्ट्रोक जो है वो सिर्फ 3 करेंगे, और इसका कलर जो है वो वाइट करूँगी मैं, और ये देखें ये इसको रोटेट करूँगी, और ये देखें यहाँ लगाना है मुझे, और इसको भी हम शेडो देंगे, ठीक है। ये देखें, स्ट्रोक देने के बाद स्ट्रोक हम इसका 1 करेंगे और फिर हम इसे शेडो देंगे, ये देखें। तो ये परफेक्ट जो है शेप हमारे पास हाउस की वो बनके तैयार हो गई। वो मर्ज कर लें, ये देखें, ये सब मैंने मर्ज कर लिए, ये देखें, ये मेरे पास कंप्लीट एक शेप बनके तैयार हो गई। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि इसमें जो है मैं सीढ़ियाँ भी बना दूँ। तो देखिए, हम सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं कैसे। यही स्क्वायर शेप ली हमने, और यहाँ से बिल्कुल लाइट कलर लिया, इसको छोटा किया, ये देखें, बिल्कुल दरवाजे के आगे, और साइज इसका छोटा कर लेंगे हम, और ये देखें पोजीशन की मदद से मैं इसकी जो है वो सिलेक्ट करूँगी बस। ये हो गया, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फिर इसको पोजीशन की मदद से हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको हम कम रखेंगे थोड़ा सा, और इसको इधर करेंगे, ऊपर करेंगे, और इसको हम शेडो भी देंगे। ऊपर वाले को हमने शेडो नहीं दिया लेकिन नीचे वाले को हम शेडो दे रहे हैं, और इसको कॉपी करके इसे भी यहाँ ले आएंगे, इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये हमारे घर की सीढ़ियाँ तैयार हो गई। अब आप दरख्त बनाना चाह रहे हैं तो दरख्त किस तरह से आप ट्री किस तरह से बना सकते हैं, तो सिंपल मैं गई ये स्टार वाली शेप में, और इसको मैंने ग्रीन कलर किया, ये देखें डार्क ग्रीन कलर किया। ये लेने के बाद ये देखें स्ट्रोक देना है इसको, आपने स्ट्रोक जो है वो डार्क ग्रीन कलर का ही आप देंगे, और इसको बढ़ा देंगे तकरीबन 10 तक। देखिए ये इस तरह से कर्व हो गई इसकी नोके। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये देखें इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में दरख्त की जैसे शेप होती है उस तरह से आपने बनाते जाना है इसको बस। अब मैं इन सबको मर्ज कर लूँगी, जो मैंने स्टार की ग्रीन शेप ली है इन्हें मर्ज कर लूँगी। ये हमारी मर्ज हो गई, ये समझ में, एक दरख्त हमारे पास तैयार हो गया। इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये देखें इसको रोटेट किया थोड़ा सा, इसको कॉपी किया, ये देखें, उसके बाद इसे भी मर्ज कर लिया। ये दरख्त की शेप बनके तैयार हो गई। अब आप इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। अब आती है कि आपने नीचे कैसे शेप इसका बनाना है। तो ये हार्ट शेप लेंगे हम, जो नीचे का तना होता है इसको बिल्कुल पतला कर देंगे, और ये देखें स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक इसी कलर का देंगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये देखें, और इसको और पतला करना चाहें आप पतला कर लें, छोटा करेंगे थोड़ा सा, इसको बैक कर देंगे। ये हमारे पास एक दरख्त बनके तैयार हो गया। तो आपने जो है अब इस तरह से आप इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद ये इस वाली दिल वाली शेप और वो जो स्टार वाली दरख्त की शेप थी वो ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम जहाँ ये दरख्त लगाना चाहें, जितनी जगह पे छोटा बड़ा करके लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं इजीली। ये देखें,
इसके अलावा आप सूरज बनाना चाहें तो आप वो सूरज भी बना सकते हैं। ये सर्किल शेप लिया आपने, इसका आपने कलर येलो किया, सब शेप से देखें तैयार हो रहा है। कोई भी चीज़ बगैर शेप के नहीं मतलब कि रेडी कर रही मैं। यहाँ से शेप इसका कलर दूसरा लेंगे हम, बस ये वाला कलर चाहिए, ये लिया। अब आपने इसके पीछे से जो है वो किरणें निकालनी हैं, तो किरणें हम इसके पीछे से किस तरह की निकालेंगे ये देखें। इसको हम लॉक कर देंगे और हम जाएंगे स्टार शेप में। ये हमारे पास स्टार शेप आ गई, इसका हम साइज छोटा कर लेंगे। इसका कलर हम येलो करेंगे, ये देखें ये हमारे पास येलो कलर आ गया। इसी को कॉपी करेंगे, ये हो गई। और इसकी जो है यहाँ जाके ऑप्सिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे, दूसरे वाले की भी ऑप्सिटी को कम करेंगे बस। और इसको हम देंगे शेडो, इस तरह से। और इसको हम कर लेंगे बैक पे, इसे भी कर लेंगे हम बैक पे। ये देखिए ये दोनों चीज़ें बैक पे कर ली। और अब हम सूरज की शेप को मर्ज कर लेंगे आपस में। ये हमारा सूरज की शेप मर्ज हो गई, अब हम इसे जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसको मज़ीद स्ट्रोक देके आप शेडो देना चाहें तो वो भी देख लेंगे किस तरह से मतलब कि आपके पास शो होगा। ये देखें कितना प्यारा सा सन बन के हमारे पास रेडी हो गया। तो अभी है क्योंकि मैंने देखा है पिक्सल लैब के ऊपर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं सिखाई गई। तो आपने इसी तरह का बहुत खूबसूरत सा घर बनाना है और मुख्तलिफ शेप्स यूज़ की हैं और आपको इसमें मैंने सारी शेप्स यूज़ करनी सिखाई हैं प्रोजेक्ट में। तो आप लोगों ने इसको प्रोजेक्ट में सेव कर लेना है ताकि अगर आप दोबारा कभी एडिटिंग करना चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसको PNG फाइल में सेव करना चाहें जिससे बैकग्राउंड जो है वो इरेज हो जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।